माई सेल्फ डॉक्टर निखिल मेहता, मेडिकल डिविजन हेड एट एलन. आज जो हम इवेंट करने जा रहे हैं वो हमारी एक एकेडमिक एक्टिविटी का एक पार्ट जो होता है कि बच्चा पढ़ तो रहा है बट जो बच्चा हमारे यहाँ से पास आउट हो गया उसकी जर्नी कैसी रही, वो जर्नी की एक एक्सपीरियंस शेयरिंग हमारे एग्जिस्टिंग बच्चों के साथ, जिसको हम बोलते हैं टॉपर स्टॉक, जिससे हमारा एग्जिस्टिंग बच्चा ये भी सीखता है कि भाई मैं अभी जो कर रहा हूँ उसमें मुझे और क्या ऐड करना है जिससे मेरा भी स्कोर उन बच्चों के जैसे हो पाए जो अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं. तो वो हमारी इवेंट है जिसको हम बोलते हैं टॉपर स्टॉक. और उसके साथ साथ जो अच्छा बच्चा अभी ऑलरेडी एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म कर रहा है उनको हम फेलिसिटेट भी करते हैं टाइम टू टाइम. सो एक ओपन सेशन कि जहाँ पे हम बच्चों को और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं. तो वो आज की हमारी इवेंट है. एलन की अगर हम यहाँ पे जर्नी की बात करें तो 2 साल आज हमें कंप्लीट हो रहे हैं श्रीनगर में. तो 2 साल में हमने पहले ही ईयर यानी कि जहाँ हमारे पास 12th से पास आउट हुआ रिपीटर बच्चा हमसे जुड़ा था उसमें से भी टोटल 12 बच्चों ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था JNK में. इस साल भी अगर हम देखने जाए 2023 नीट एग्जामिनेशन जो 7 मई को हो रही है, बेस्ट रिजल्ट एलन श्रीनगर से बेस्ट रिजल्ट श्रीनगर को मिलने वाला है, जिसकी पूरी एकेडमिक केयरिंग हमारे तीनों एकेडमिक हेड्स जो हमारे अवेलेबल हैं यहाँ पे, अकमल सर, हेमंत सर और अमित श्रीवाद सर, वो तीनों के माध्यम से पूरी टीम के द्वारा बच्चों के पास प्रोवाइड की जा रही है. आज अगर हम एलन की बात करें तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो नेशनल लेवल का है. फिर वो चाहे इंजीनियरिंग में JEE हो या मेडिकल में नीट हो, तो नेशनल लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आज एक नेशनल कोच जो उनको सिर्फ श्रीनगर के ही कॉम्पिटिशन नहीं वो उसको कॉम्पिटिशन दे रहा है देश के दूसरे कम से कम 2.5 लाख बच्चों के साथ. तो आज वो श्रीनगर के बच्चे को पता चलता है कि वो देश के दूसरे 2.5 लाख बच्चों के साथ कहाँ खड़ा रह रहा है. तो उसकी जो टेस्टिंग हो रही है, उसकी जो स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है वो एज़ पर द नेशनल एग्जामिनेशन. तो जिसको बोला जाता है कि नेशनल एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए एक नेशनल कोच श्रीनगर में एलन के माध्यम से बच्चों को मिला जा रहा है. अगर हम एलन के हमारी जो टैगलाइन है संस्कार से सफलता तक, तो यहाँ पे हमारा मोटिव सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है. यहाँ पे आज जो बच्चा एकेडमिकली स्ट्रांग है बट उसको एक फाइनेंशियली रीज़न की वजह से वो एलन में अप्रोच नहीं कर पाता है, वैसे बच्चों के लिए भी यहाँ पे 90% तक टोटल फीस में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फीस कम की जाएगी वो फीस, जो हमारी टोटल फीस है उसमें से 90% तक की स्कॉलरशिप वो बच्चों को प्रोवाइड की जाती है. सो इट इज़ लाइक वॉट एवर एकेडमिकली दे वॉन्ट इफ दे हैव अ डिज़ायर वी आर हेयर टू प्रोवाइड दैम. स्टूडेंट पेरेंट्स को, श्रीनगर के पेरेंट्स को यही मेरा मैसेज होगा कि एलन करे इंस्टीट्यूट जिसको 34 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में, वो 34 ईयर्स का एक्सपीरियंस लास्ट 2 साल से श्रीनगर में दिया जा रहा है. जो 2 साल पहले हमारी टीम शुरू हुई थी एक सेंटर से नसीमबाग, वहाँ से फिर हम नौगाम, विद इन 2 मंथ्स हमने नौगाम शुरू किया और आज 2 साल के बाद हमने पिछले 6 महीने पहले राजबाग भी शुरू किया. जो हमारी एक एकेडमिक एडमिन की अगर हम टीम बोले तो जो 10 बच्चों से शुरू करके 10 एकेडमिक टीम से शुरू करके आज हमारे पास 100 एकेडमिशियन प्लस एडमिन जो यहाँ के श्रीनगर के बच्चों के लिए काम कर रही है. सिर्फ वो 11th 12th और रिपीटर पे नहीं, स्कूल सेक्शन पे भी काम कर रही है. बिकॉज आज अगर हम एजुकेशन पॉलिसी देखें तो बच्चे को 9th 10th से ही फाउंडेशन इतना स्ट्रांग करवाया जाए जिससे वो 11th और 12th में वो ईज के साथ एग्जामिनेशन को क्रैक करे. बिकॉज जब हम स्कूलिंग की बात करते हैं, स्कूलिंग की प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी अलग होती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की मेथोडोलॉजी अलग होती है. तो हम बच्चे को वही चीज़ 9th स्टैंडर्ड से देने जा रहे हैं इस साल से. तो बच्चे अच्छे से जुड़े और आगे उनका भविष्य उज्ज्वल है.